सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू 2-in-1 एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों अब देख सकते हो मेरे पास स्पीकर है, इसका जैक उखड़ चुका है। और दोस्तों मैंने इसको हालांकि पहले भी एक दो बार कई बार रिपेयर भी किया है, पर दोस्तों ये ख़राब हो चुका है। इसकी प्लेट ही इस बार डेड हो चुकी है और दोस्तों इसकी बैटरी भी में भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वाली प्लेट इस स्पीकर में डालेंगे और दोस्तों इसकी बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी सही है या ख़राब। दोस्तों इससे पहले हम इसे खोल लेते हैं, पहले इसका कपड़ा निकालना होगा। तो दोस्तों मैंने एलपीस चिपकाया था ना, तो दोस्तों उसकी वजह से कपड़ा टाइट हो चुका था। तो दोस्तों उसको निकालने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, पर निकल गई मेरे से, सॉरी दोस्तों मुझे दिक्कत हुई। ये है इसकी बैटरी, 18650 बैटरी नंबर है ये, लिथियम आयन सेल। और दोस्तों ये दो स्पीकर लगे हैं इसमें, 3 ohm 4 volt के। और ये है इसकी वायर, देख सकते हो दोस्तों स्पीकर बहुत बढ़िया है। और दोस्तों इसकी जो ये वाली जो बैटरी है, इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में लेके आ चुका हूँ, तो दोस्तों हम चेक करेंगे। कई बार होता है क्या है कि बैटरी के जो ऊपर वाला प्लस वाला जो पॉइंट होता है उसमें एयर भर जाती है, तो उसकी वजह से दोस्तों बैटरी वोल्टेज नहीं दिखाता है। तो उसको दोस्तों उस एयर को हमें निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों उससे पहले हम इसको चेक कर लेंगे। दोस्तों 4 volt आ रहे हैं वो 0.00 में। तो दोस्तों मैं चिमटे से ले लेता हूँ, चिमटे से फिर मैं इसको पुश करता हूँ। दोस्तों देख सकते हो इस जगह, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप इस बैटरी को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये हालांकि थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद दोस्तों हो जाएगा। देख सकते हो अभी फिस सी आवाज़ आई। तो दोस्तों अब इसको चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज। दोस्तों अभी भी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, अभी भी उतने ही वोल्ट दिखा रहा है। तो सॉरी दोस्तों मैसेज आया था, तो उसकी वजह से आपको डिस्टर्बिंग हुई। तो दोस्तों ये वाली बैटरी डालेंगे हम, ये दोस्तों जो घड़ी के सेल होते हैं ना उस प्रकार की है, पर दोस्तों ये भी 18650 नंबर की बैटरी है, लिथियम आयन सेल। तो बैटरी हमारी ओके है, इस बैटरी को हम पहले चेक कर लेते हैं इसमें लगेगी कि नहीं, फिर उसके बाद हम इसके अंदर वायर जोड़ेंगे और फिर हम इसे लगाएंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं साइड कर देता हूँ और दोस्तों ये इस प्लेट को मैं खोल के निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आपको ठीक से खोलना है, आपको ध्यान से खोलना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। क्यों, अगर दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे डायोड और रेजिस्टेंस लगे होते हैं और आईसी है, दोस्तों हल्का सा भी उस पर लगाना, एक भी टाका टूटा तो दोस्तों पूरी प्लेट ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों ये है इसकी कुछ, और ये वाली प्लेट ओके है, ये वाली प्लेट हम डालेंगे इसमें, ये देख सकते हो। हालांकि ये प्लेट का मैंने एक स्पीकर बनाया था पहले भी, जिसके अंदर जो आपने वीडियो देखे होंगे, नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों इसको मैं हटा लेता हूँ, बैटरी के वायर हटा लेता हूँ। और दोस्तों देख सकते हो मैंने हटा लिया बैटरी के वायर। अब दोस्तों इस वायर को मैं फेंक दूंगा और दो वायर में लाया हूँ दूसरे वाले, एक रेड और एक ब्लैक, इन वायरों को मैं डालूंगा इसमें। तो दोस्तों बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, उसके लिए सॉरी। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों मैं आपसे इसके वायर जोड़ लेता हूँ, पहले इसकी बैटरी में जोड़ूंगा। तो दोस्तों ऐसे नहीं जुड़े, अगर ऐसे नहीं जुड़े ना तो आपको थोड़ा रफ़ कर लेना है, मतलब थोड़ा घिस लेना है सैंड पेपर से, जैसे मैं घिस रहा हूँ इस प्रकार से आपको घिस लेना है। तो उससे होगा क्या, खुरखुरापन हो जाएगा ना, तो दोस्तों आराम से ना शोल्डर पकड़ लेगा तो चिपक जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान से घिसना है कि इसके जो हीट सिंक लगी होती है बैटरी पे वो ख़राब ना हो। कई बार पहले मैंने एक बार किया था तो हीट सिंक ट्यूब जो होती थी इसके ऊपर वो ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था बैटरी में। तो दोस्तों मैंने इसको रफ़ कर लिया। अब दोस्तों मैं इस पर थोड़ा सोल्डर लगा के अब मैं इस पर वायर जोड़ लूँगा। देख सकते हो दोस्तों मैं वायर जोड़ता हूँ, तो जब तक मैं वायर जोड़ रहा हूँ तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों मेरा एक सेकेंड चैनल है जिस पर मैं अपनी ब्लॉगिंग करता हूँ, तो दोस्तों उस चैनल को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब ही कर लो, पर एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको कोई गड़बड़ लग रही हो तो दोस्तों मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों आपको कैसा लगा वो ब्लॉग, कैसा लगता है आपको किस तरीके की ब्लॉग चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उसी टाइप की ब्लॉग डालूंगा। और दोस्तों इतने टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके पीछे दोस्तों रीज़न था एक, कि दोस्तों मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। दोस्तों पहले मैं किसी और फ़ोन से बनाता था तो दोस्तों वो फ़ोन मेरा फूट गया था, वो ऐसे ही मैं ट्राईपॉड में रख के मैं वीडियो बना रहा था तो वो फ़ोन फूट गया मेरा, नीचे गिर के टेबल पे, इसी टेबल पे से गिरा था और फूट गया। तो दोस्तों अब मैंने दूसरा फ़ोन लिया इतने दिन के बाद, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। दोस्तों इतने दिन से मैं नहीं डाल पा रहा था वीडियो क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, इधर उधर से मैं अपने दोस्तों से मांगता था तो नहीं देते थे मेरे दोस्त फ़ोन, और पड़ोसी तो और नहीं देते थे।
दोस्तों इसमें मैं डाल लेता हूँ। और दोस्तों किस दिन मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा कि कैसे कैसे मैंने यूट्यूब करियर की शुरुआत की और पहले कैसे बनाता था वीडियो और अब कैसे बनाता हूँ मैं वीडियो, तो वो फिर कभी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं इसको पैक कर लेता हूँ। सबको ठीक से पैक करना है दोस्तों, वायर वायर का आपको ध्यान रखना है, कटे ना। और दोस्तों ये इसके तो पेच वेच सब टूट चुके हैं, तो इसीलिए हम टेप मार लेंगे इस पर। तो देख सकते हो दोस्तों मैं इस पर टेप लगा रहा हूँ। दोस्तों टेप को मैं टाइट करके लगा रहा हूँ ताकि दोस्तों ये अच्छे से इसकी ग्रिप्ट बन जाए, मतलब अच्छे से पकड़ ले, ये पकड़ इसकी अच्छी टाइट हो जाए। तो दोस्तों ये तो स्पीकर के वायर है और ये बैटरी के पावर के। तो दोस्तों ये ज़्यादा बड़े तो इस फिलहाल हम इसको कट कर लेंगे। तो देख सकते हो मैंने इसको कट कर लिया और हल्के हल्के छील लेंगे प्लेट में जोड़ने के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल ज़रा ज़रा से छीलना है, ये नहीं कि ज़्यादा छील लो। और दोस्तों आपस में भिड़ने भी नहीं चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट का डर है और हमारी इससे प्लेट भी फूक सकती है। दोस्तों जो आप रेड कलर की ये जो वायर देख रहे हो, ये दोस्तों जो आप जो इसको कट कर लेना है। और दोस्तों ये जो ग्रीन और येलो कलर के जो वायर दिख रहे हैं, इस जगह ये स्पीकर के वायर जुड़ेंगे। दो रेड है और दो ब्लैक है, ये दो स्पीकर के वायर हैं। और दोस्तों आप ये जो एक रेड एक ब्लैक देख रहे हो दोस्तों, बैटरी में लगेगा सिंगल सिंगल जो वायर है। इस जगह इन ये दो तार हटेंगे, ग्रीन और येलो, और इधर ही लगेगा स्पीकर के वायर। तो उससे पहले मैं पहले के वाले वायर हटा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं जोड़ता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखना और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इसके फ़िलहाल मैंने बैटरी जोड़, इसके टाके मतलब मैंने सारे वायर वायरिंग कर ली है, सब वायरिंग कर लिया है, वायर मैंने जोड़ लिया अच्छे से। तो दोस्तों ये देख सकते हो इसके अंदर दोस्तों एक ब्लू कलर की बिल्कुल हल्की सी एलईडी जल रही है, ग्लो कर रही है। तो दोस्तों अब मैं इसमें इसको ऐसे इस तरीके से लगाऊंगा, पर पहले मैं चालू करके देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। तो चलाते हैं। तो दोस्तों हमारा प्लेट चालू है। तो दोस्तों देख सकते हो बहुत बढ़िया आवाज़ है इसकी, और दोस्तों चालू हो चुका है। और दोस्तों मैं इसमें इसके अभी इसके ऊपर से मैं कपड़ा पहना देता हूँ इसको। तो दोस्तों पुराना वाला आप देख सकते हो ब्लू कलर का है वो। और दोस्तों ये जो मेरे को पास आप ये जो कपड़ा देख रहे हो, ये मैंने दर्जी से लिया है जो कपड़े वपड़े सिलता है, जिसकी शॉप कपड़े वपड़े सिलने की होती है, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। और इसको मैंने सिलवा लिया है कुछ इस तरीके का, थैला टाइप का सिलवा लिया है मतलब। और इसको मैं सीधा कर दे रहा हूँ दोस्तों, मतलब दोस्तों इसको बिल्कुल नया ही बनाना है हमें। और ये दोस्तों इसका पुराना वाला बहुत बेकार लग रहा था, नया वाला हालांकि बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो जो ये जो छेद है हल्का सा, इसके अंदर सिला हुआ जो है वो हिस्सा डालेंगे ताकि हमें कोई आगे चल के दिक्कत ना हो और अच्छे से चले जाए। पर उससे पहले हमें इसको टेप को काटना होगा जो हमने टेप लगाया था। तो इसको हम उल्टा करके लगाते हैं, पर उससे पहले दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये जो है ये बिल्कुल छेद में जाना चाहिए। और ये जो है इस कपड़े को अच्छे से पहनाना है हमें, इसको फिलहाल ये नंगा है और इसको हमें सही करना है कपड़े पहना उना के। तो धीरे धीरे लगाना है, अगर आप एकदम से जल्दबाजी करोगे तो कपड़ा फट सकता है। और दोस्तों ये कपड़ा आपको कैसा लगा? और दोस्तों आपको कपड़ा अगर ना मिले ना तो आप जाके एक मीटर कपड़ा खरीद सकते हो। और दोस्तों एक मीटर तो आपको ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी आप दोस्तों अगर थोड़ा बहुत अगर वो दे दे, अगर वो सिल के दे दे, अगर आप जाओगे वहाँ पे उसके पास टेलर के पास, तो टेलर से आप बोलोगे हमें इस तरीके का सिलवाना है, तो दोस्तों आप 20 रुपये में वो सिल के आपको दे देगा, ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं इसको इसमें लगा लेता हूँ, पर इस तरीके से लगेगा ये देख सकते हो। पहले कि मैंने इसमें जैक डाला था, जो जैक टूट गया था, जो 5 रुपये में अलग से मिलता है लाजपत राय में। पर दोस्तों अभी मैं इसे निकाल लेता हूँ, फिलहाल मैं आपको इसका लोगो दिखा देता हूँ, लोगो किस तरीके से और हमें कहाँ लगाना है। दोस्तों लोगो इस तरीके से लगाना है, ब्लू कलर के कपड़े पर लगा हुआ था मैंने उखाड़ लिया, दोस्तों इस जगह ऐसे लगाना है। तो दोस्तों ये ग्लू से चिपकेगा इस तरीके से यहाँ पर। तो दोस्तों हम फिलहाल इसको रखते हैं और फिलहाल हम इसको दोस्तों इस प्लेट को इसके अंदर बॉडी के अंदर डाल देते हैं। जो आप देख रहे हो ये जो खांचे थे, ये दोस्तों प्लेट इसमें आ नहीं रहा था, पुरानी वाली प्लेट तो आ जा रही थी क्योंकि वो छोटी थी, और ये वाली थोड़ी बड़ी है, तो इसको मेरे को जलाना पड़ा हल्का हल्का आयरन की मदद से। अब मैं दोस्तों इसके मैं पेच कस लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो पेच में कस रहा हूँ। और दोस्तों ये पेचकस की आपको बाय करना हो, ख़रीदना हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अमेज़ॉन पर। दोस्तों ये ठीक रेट में मिल रहा है, और अमेज़ॉन में आपको महंगा लगे तो दोस्तों आप लाजपत राय से जाके ले सकते हो, लाजपत राय का भी लिंक मैं डाल दूंगा, लोकेशन डाल दूंगा मतलब। और दोस्तों लाल किले के ठीक सामने लगता है, और ये देख सकते हो इसको मैंने कस लिया है। और दोस्तों इस कपड़े को आपको ठीक से करना है। और दोस्तों उससे पहले मैं इसको इसमें जो ग्लू लगा है पुराना वाला, उस ग्लू को हटा लेता हूँ, क्यों दोस्तों इसको हटाऊँगा, जब भी मैं नया ग्लू डालूँगा गर्म गर्म तब दोस्तों ये चिपकेगा। देख सकते हो ये हट चुका है। तो दोस्तों मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया, अगर दोस्तों
फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता मैं तो दोस्तों आप बोर होते, इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी। दोस्तों आपको कपड़ों को ठीक से लगा के लगाने, दोस्तों देख सकते हो बढ़िया तरीके से लग चुका है। तो दोस्तों मेरे पास एलपी ख़त्म हो रहा है इसलिए मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही लगा रहा हूँ। दोस्तों एलपी से मैं बाद में चिपका दूँगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लगाऊँगा ग्लू से। ये देख सकते हो दोस्तों ग्लू भी मेरा आधा हो चुका है। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरा सामान भी ख़त्म है। तो दोस्तों मैं सामान लेके आऊँगा और दोस्तों फिर आपसे मैं आपको मैं एक वो बना के दिखाऊँगा SMPS मतलब DC पावर सप्लाई, जिसे आप 1.5 वोल्ट से ले करके 1.5 वोल्ट 2 एम्पियर से ले करके आप 24 वोल्ट तक 2 एम्पियर ले सकते हो, 24 वोल्ट 2 एम्पियर तक ले सकते हो आप आउटपुट 220 वोल्ट से। और तो दोस्तों ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा आपको, आप DC कंट्रोलर भी बना सकते हो उसे। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसको बजा के दिखाता हूँ। We'll be right back.